हेलो किड्स, इन लेसन अ फाइन बैलेंस वी लर्न अबाउट डाइट फूड. यस और नो, व्हाट वी लर्न इन दिस लेसन? डाइट फूड. वी कैन नॉट ईट ओनली फ्रूट्स, वी कैन नॉट ईट ओनली वेजिटेबल्स, वी नीड समथिंग मोर. We need something more. We must try and eat a little of all types of food. We cannot eat more vegetables, only vegetables. We cannot eat only fruits. We must try. We must try and eat all a little of all types of food every day. Means we should eat fruits, vegetables, grains, all types of food every day. We should eat food which gives us protein, carbohydrate, fats, vitamins, calcium and iron. हमें जो खाना चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए बच्चों, जिसमें से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन मिल सके. हर दिन हमें वो खाना खाना चाहिए. सिर्फ एक ही खाना नहीं जिसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट मिले. दिन भर वही कार्बोहाइड्रेट वाला खाना नहीं खाएंगे, अलग अलग खाना खाएंगे जिसमें से हमें ऑल न्यूट्रिएंट्स मिल सके. सी, प्रोटीन रिच फूड इज चीज, एग, फिश. इनमें से कौन सा भी एग खाया तो भी चलेगा. एंड कार्बोहाइड्रेट फैट रिच फूड, ब्रेड, राइस, बटर. ब्रेड, राइस, बटर. इंस्टेड ऑफ ब्रेड यू शुड ईट चपाती. इट इज मेड फ्रॉम वीट. ब्रेड किससे बनाया जाता है? गेहूं से बनाया जाता है. गेहूं से चपाती भी बनाया जाता है. अंडरस्टूड नो किड्स? वी शुड ईट अ लिटिल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड. प्रोटीन वाला फूड भी खाएंगे, विटामिन्स वाला फूड खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, बिकॉज वी नीड एनर्जी टू ग्रो एंड वी नीड अदर न्यूट्रिएंट्स टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. अंडरस्टूड नो किड्स? हमें हर तरह का खाना खाना चाहिए बिकॉज हमारा बॉडी ग्रोथ होने के लिए, एनर्जी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए. नाउ सी दिस बनाना, मिल्क, कर्ड, चिकन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन कैल्शियम, आयरन. दे आर रिच इन कैल्शियम एंड आयरन. दिस फूड ऑल्सो वी शुड ईट एवरी डे. दे नीड अस फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड हेल्दी बोन्स. दिस वन कैल्शियम एंड आयरन रिच फूड हम खाए तो हमें बोन्स स्ट्रांग हो जाएंगे. एंड टीथ हेल्दी बोन्स, स्ट्रांग टीथ, बिकॉज टीथ नीड कैल्शियम एंड बोन्स नीड टू बिकम अ स्ट्रांग वॉट? आयरन. कैल्शियम एंड आयरन बोन एंड टीथ के लिए चाहिए. नाउ विटामिन वी सी. विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी. दीज आर द टाइप्स ऑफ विटामिन्स. जैसे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, दैट टाइप आवर बॉडी नीड विटामिन्स आल्सो. विटामिन में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी. स्टिल टाइप्स आर देयर, बट हियर वी लर्न ओनली अबाउट विटामिन ए, बी, सी एंड डी. यहाँ पर हम सिर्फ फोर विटामिन्स के बारे में लर्न किया है. दे हेल्प अस टू कीप
our skin, eyes, teeth, digestive system in good health. ये विटामिन्स क्या करते हैं? हमारा स्किन, आईज, टीथ और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे रखने के लिए, टू हेल्प देम बी इन गुड कंडीशन, इन गुड हेल्थ. यू थिंक सम प्रॉब्लम विल क्रिएट in your on your skin, otherwise in your eyes, otherwise in your teeth. आपको जहाँ थोड़ा सा पेन होने लगा आइज में, टीथ में, अदरवाइज स्किन के ऊपर इचिंग होने लगा, सम प्रॉब्लम होने लगा, तो आपको कैसे लगता है? यू आर फीलिंग बैड, यू आर फीलिंग सैड, आपको दर्द होने लगता है, अच्छा नहीं लगता. गुड हेल्थ के लिए क्या चाहिए? गुड हेल्थ के लिए क्या चाहिए? अच्छा खाना चाहिए. गुड फूड के लिए, सॉरी, गुड हेल्थ के लिए क्या चाहिए? खाना अच्छा चाहिए. अच्छा खाना मतलब क्या? इट इज अ रिच इन न्यूट्रिएंट्स. अच्छा खाना मतलब उसमें प्रोटीन, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन होना चाहिए. दिस विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, दे हेल्प अस टू कीप आवर स्किन, आईज, टीथ, डाइजेस्टिव सिस्टम इन गुड हेल्थ. अच्छे रखने के लिए विटामिन्स हेल्प करते हैं. विटामिन ए किस किस में है? विटामिन ए इज इन मीट, फिश, मिल्क, एग एंड चीज. इन थिंग्स को हमने खाया, व्हेन वी ईट दिस वन ऑल थिंग्स वी गेट अ विटामिन ए. विटामिन बी, विटामिन बी इज रिच इन मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरोट्स एंड मीट. विटामिन बी कहाँ से मिलेगा आपको? जब आप मिल्क क्यों अदरवाइज एग, लीफ और कैरोट और मीट खाए तो आपको विटामिन बी मिलेगा. विटामिन सी कहाँ से मिलेगा आपको? बाहर से लेकर खाओगे? नो, इट इज इन लेमन. सी और विटामिन सी इट इज इन लेमन, ऑरेंज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टोमेटो, कैप्सिकम एंड स्ट्रॉबेरी. व्हेन यू विल ईट दिस food you will get a vitamin C. Now last one is vitamin D. When you will eat cheese, fish and when you will drink milk, you will get a vitamin D. आपको vitamin D मिलता है, बाहर से खरीद कर नहीं खाने के लिए मिलता है. हम शॉप जाएंगे और बोलेंगे विटामिन डी दीजिए, तो क्या दे देंगे आपको? चीज़ देंगे, फिश देंगे या मिल्क दे देंगे. डायरेक्टली विटामिन डी को उठाकर आपको नहीं देंगे. दे आल्सो नो, उनको भी पता है विटामिन डी किस में रहता है. आपको नहीं मिलेगा डायरेक्टली विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी खरीद कर शॉप बोरो कर खाने के लिए. If you want vitamin D, you should eat these food items. आपको कौन सा भी विटामिन चाहिए तो इन फूड आइटम्स को खाना पड़ेगा. Understood now? That type, आपको if you want calcium and iron. Calcium and iron is not in shop. वो शॉप में आपको कैल्शियम दीजिए, हमें कैल्शियम खाने के लिए मिले चाहिए, आयरन दीजिए खाने के लिए, दे विल नॉट गिव यू. दे विल गिव यू मिल्क, कर्ड, चिकन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बनाना. वो बोलेंगे बनाना खा लो, आपको कैल्शियम मिलेगा, मिल्क पी लो कैल्शियम मिलेगा. वो बोल देंगे आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा लो, आयरन मिलेगा. दैट टाइप दे विल से सजेस्ट यू. अंडरस्टूड नो? आपको बोलेंगे बनाना खा लो, मिल्क पी लो, कर्ड खाओ, चिकन खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ,
You will get a iron and calcium from these food items. Understood, no kids? Now see, if you want proteins, what will you do? Shop me jaakar protein khareed kar laoge? No. If you want protein, you should eat cheese, egg and fish. इनमें प्रोटीन रहता है, ये खाने से आपको प्रोटीन मिलता है. इफ यू वांट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, यू शुड ईट ब्रेड, चपाती, राइस, बटर एक्सेट्रा. इन दिस फूड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इज रिच. दे गिव यू एनर्जी टू प्ले, टू डू वर्क, टू डू स्टडी. अंडरस्टूड नो किड्स? ओके. और हेल्दी, व्हाट? हेल्दी फूड में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कम नहीं खाना चाहिए. वी शुड ईट इन राइट क्वांटिटी. हेल्दी गुड फूड गुड हेल्थ में, इन डाइट बैलेंस डाइट में हमें न ज़्यादा खाना चाहिए न कम खाना चाहिए. हमें प्रॉपर क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए, इन इक्वल क्वांटिटी. ऐसा नहीं कि आपके बॉडी के इक्वल होना चाहिए. इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर नीड. आपको बॉडी को कितना चाहिए उतना ही खा लो, नहीं तो वेट के हिसाब से मत खाओ. यू आर मे बी नाउ 15 केजी, 20 केजी, 25 केजी. देन यू विल थिंक दैट मच वी ईट, तो फिर आप सोचेंगे उतना खाएंगे. नो, आपको बॉडी को कितना लगता है उतना खा लो, न ज़्यादा खा लो न कम खाओ. अंडरस्टूड नो किड्स? अबाउट बैलेंस फूड एंड न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, कैल्शियम, आयरन विल कम. नाउ सी, वी लर्न दिस वन यस्टरडे इन लास्ट वीडियो. Types of food, those are different. What? Different method to cook. अलग अलग तरीके के खाना अलग अलग तरीके से पकाया जाता है. Here different types are there of cooking. Some one food are fried, some one food are boiled, some one food is baked, someone food is roasted, someone food is eaten by raw, someone food is eating by removing their skin, means peeling, means peel off that one, peel it, ऊपर का छिलका निकाल कर खा सकते हैं हम. न बॉइल न कुक, डायरेक्टली खा सकते हैं. वी पील इट्स कवर, ऊपर का छिलका निकाल कर खाएंगे. सी दिस वन, टोमेटो, कैरोट, ओनियन कैसे खा सकते हैं? रॉ, ऐसे ही वॉश कर कर धोकर कट कर कर खा सकते हैं. पापड़ को रोस्ट भी कर सकते हैं और फ्राई भी कर सकते हैं. इट इज इन फ्राई इन ऑयल में फ्राई करके भी खा सकते हैं. सी हियर, राइस वी हैव टू बॉइल इन वाटर. इसको वाटर में बॉइल कर खाना पड़ता है. पूरीज वी हैव टू फ्राई इन ऑयल में फ्राई करके खाना पड़ता है. इडलीज, हाउ टू प्रिपेयर योर मम्मा इडली? इडलीज हाउ टू प्रिपेयर योर मम्मा? आपकी मम्मा इडली कैसे बनाती है? स्टीम से नीचे पानी डालकर उसके ऊपर, पानी के ऊपर इडली को स्टीम देकर पकाती है. नॉट इन फ्राई एंड नॉट बॉइलिंग. अंडरस्टूड नो किड्स? दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकिंग. अलग अलग तरीके से खाना हम तैयार बनाते हैं बाय
frying, by boiling, by steaming, by baking, by roasting. Understood now? Okay, this is our lesson revision over. Tomorrow I will, in the next, tomorrow means in the next class, I will take your question R. Means we are going to solve the question answers, fill in the blanks, whatever exercises then we are going to solve. Until you read the lesson, before reading the lesson, you should learn the all new words. Understood ना? आपको जो भी नया words लगता है ना उसको underline करो, make it underline, read it, learn it, then read the lesson. Understood no kids? Thank you.